Hello, my dear students. Welcome in first video lecture of your 9th paper, which is elective paper, Tools and Techniques for the Biology. So let us start. So in this video lecture, we're going to discuss about the distillation unit. That is the first point of your first unit. So first of all, you might have the question that what is distillation unit? So the distillation unit is a machine. It is a machine, or we can say it is a setup of certain laboratory instruments. So just check this out. Distillation unit जो है वो यूज होता है फॉर द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स. ये क्या है डिस्टिलेशन यूनिट का, मैं डायग्राम बताती हूँ सबसे पहले. ओके, सो दिस इज़ द सेटअप ऑफ डिस्टिलेशन यूनिट. इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर मशीन विथ सर्टेन, और आजकल पर्टिकुलर मशीन भी मिल रही है सो विच इज़ हैविंग ऑल दिस कैपेसिटी. तो पहले जो है ये सेटअप लगाया जाता था लेबॉरेटरीज में, इसी सेटअप को बोला जाता है डिस्टिलेशन यूनिट. सो व्हाट इट हैज़, इट हैज़ अ बर्नर, एक बर्नर होता है, और एक डिस्टिलिंग फ्लास्क होता है जहाँ पे लिक्विड के सॉल्यूशन होता है. अभी फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला था, इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर लिक्विड्स फ्रॉम ईच अदर. तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लास्क, डिस्टिलिंग फ्लास्क में सॉल्यूशन होता है ऑफ टू और मोर देन टू लिक्विड्स का. इट ऑल्सो हैज़ थर्मामीटर ऑन इट स्टॉप. थर्मामीटर क्यों यूज होता है ये समझ आ जाएगा जब सेकेंड यूनिट, सॉरी सेकेंड पॉइंट पढ़ोगे. सेकेंड पॉइंट क्या है, दैट इट इज़ हैविंग द थर्मामीटर बिकॉज टू डिटेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट. अब हर एक लिक्विड का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है, हमें पता है. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट वेयर अ लिक्विड टर्न्स इनटू द वेपर्स, वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. सो दैट इज़ द नथिंग बट दैट बॉइलिंग पॉइंट. अब बॉइलिंग पॉइंट मेजर कैसे करेंगे, हर एक पर्टिकुलर लिक्विड का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है जहाँ पे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, एक रेंज पे, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज पर वो आके क्या होता है, वेपराइज होना स्टार्ट होता है. जिस लाइक अगर हम वाटर का एग्जांपल ले, सो इट जस्ट स्टार्ट्स टू वेपराइज, और इट्स का इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है. सो दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वी ऑल नो दिस, दिस इज़ अ कॉमन थिंग. तो ऐसे ही हर एक लिक्विड का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि किसी लिक्विड का, लिक्विड ए है एंड इट इज़ हैविंग अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस. ऐसे हो सकता है कि कोई एक लिक्विड है, लिक्विड बी, जस्ट एनालॉजिकल एक एग्जाम्पल है, तो उसका है 60 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज़ हाउ डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. नॉट ईच एंड एवरी लिक्विड वेपराइज एट अ सेम टेम्परेचर. वहाँ पे सर्टेन पॉइंट्स का, अगर कोई लिक्विड ए है वो जस्ट वेपराइज हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है, तो हो सकता है कि वो 51 डिग्री सेल्सियस हो. तो दैट्स वाई फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सच लिटिल मार्जिन ऑल्सो इन बॉइलिंग पॉइंट, सो इतना छोटा सा डिफरेंस को भी मेजर करके लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है. दैट्स वाई यहाँ पे थर्मामीटर भी लगाया गया है, सो दैट के जो ऑब्जर्वर है या जो लेबॉरेटरी में जो भी रिसर्चर है, जो भी वर्क कर रहा है, या जो कोई भी है वो उस पर्टिकुलर थर्मामीटर की हेल्प से रेंज और या उसका बॉइलिंग जो टेम्परेचर है आफ्टर बॉइलिंग द लिक्विड और सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स, वो टेम्परेचर मेजर कर सके, देख सके. अब मैंने क्या बोला कि 100 एक है दैट लिक्विड ए है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड ए इज़ देयर जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस, और लिक्विड बी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस. तो क्या होगा, अभी हमको क्या करना है, लिक्विड ए को सेपरेट निकालना है इस सॉल्यूशन से, और यहाँ पे लिक्विड सी भी है, लिक्विड सी का है 80 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर इज़ ऑल्सो इन इट, हम उसको लिक्विड डी ले लेते हैं एंड इट इज़ हैविंग 100 डिग्री सेल्सियस. ऐसे चार लिक्विड्स हैं हमारे पास, लेकिन हमको सिर्फ लिक्विड ए को सेपरेट करना है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मिक्सचर.
तो हम क्या करेंगे, सो वॉट विल दैट पर्सन डू, या फिर हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट सी द टेम्परेचर और सॉरी सी द थर्मामीटर, अगर वो 50 डिग्री सेल्सियस बता रहा है तो क्या होगा, वेपराइज हो गया, मतलब जो ए है, लिक्विड ए है जिसका 50 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो वेपराइज होना स्टार्ट हो गया, और हम क्या करेंगे उसको तब तक होने देंगे जब तक वो 60 के बिलो रहेगा, तब तक हम उसको होने देंगे, एंड देन वी विल टर्न ऑफ इट। ऑब्वियसली हमको सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस वाला चाहिए, लिक्विड ए चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे उसको होने देंगे, अगर 60 हो गया तो क्या होगा, लिक्विड बी भी वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, वी डोंट वॉन्ट लिक्विड बी, दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे उसको 50, ठीक है 50 के पहले 60 के बिलो जितना भी होगा वो उसको होने देंगे, वेपराइज होना स्टार्ट हो गया, वेपराइज हो गया, देन वी विल हैव। अब ये तो क्वेश्चन हो गया कि हाँ वेपराइज तो कर लिया, अभी लिक्विड कहाँ से सेपरेट होगा, नाउ द थर्ड दैट पॉइंट कि क्या बोले कि लिक्विड सेपरेटिंग टेक्निक है, तो लिक्विड सेपरेटिंग टेक्निक इज हैविंग अ अनदर सेटअप और अनदर इक्विपमेंट इन इट, होता है कंडेंसर। अब कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर इज एन इक्विपमेंट विच जस्ट कन्वर्ट्स वेपर्स इन टू द लिक्विड फॉर्म, कैसे कन्वर्ट करता है, बिकॉज इट इज़ हैविंग अ फ्रीजिंग कैपेबिलिटी। कंडेंसर मतलब एक टाइप का फ्रीजर ही है समझ लो, कभी देखा होगा कि कहीं पे कॉइल वगैरह होते हैं, कंडेंसिंग कॉइल्स होते हैं जो मेटल के होते हैं और एक्चुअली वो तांबे के बने होते हैं, तो वो क्या करते हैं मोस्टली उसमें जो होता है तांबा ही होता है, तो वो चेंज या सॉरी लिक्विड को ठंडा करता है, सो उसका काम होता है कंडेंसिंग का, तो सीधी बात है ये क्या कर रहा है, जो वेपर्स हैं उसको ठंडा कर रहा है, उसको कूल कर रहा है, इट इज़ जस्ट कूलिंग द लिक्विड, एक टाइप का फ्रीजर ही है समझ लो या फ्रिज है समझ लो, तो यहाँ से जैसे जैसे लिक्विड पास होगा, नाउ जस्ट ऑब्जर्व द रेड लाइन, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से वेपराइज हो गया, वेपर्स फॉर्म हो गए, यहाँ आ गया, यहाँ पे नाउ इट विल जस्ट वॉक जस्ट फ्लो फ्रॉम दिस पाइप, तो ये जो ब्लू कलर यहाँ पे देख रहे हो इन द कंडेंसर, दैट इज़ द इट्स कवरिंग, जो क्या कर रहा है वहाँ पे फॉर्म कर रहा है कंडेंसिंग और या कंडेंसिंग इन्वायरमेंट फॉर्म कर रहा है, कूलिंग इन्वायरमेंट फॉर्म कर रहा है, और ये जो वाइट पाइप दिख रहा है यहाँ पे हॉलो स्ट्रक्चर, वहाँ से लिक्विड पास होगा, एंड इट विल जस्ट फॉलो थ्रू दैट पर्टिकुलर पाइप, एंड फिर वो वहाँ पे किसी फ्लास्क में वहाँ पे जहाँ रिसीविंग फ्लास्क हो सकता है, तो वहाँ पे उस रिसीविंग फ्लास्क में या फिर कोई और कोई भी बीकर वगैरह, तो वहाँ पे वो रिसीविंग चेम्बर में सॉरी रिसीविंग पर्टिकुलर फ्लास्क हो या बीकर हो वहाँ पे वो कलेक्ट कर लिया जाएगा। सो व्हाट इज़ दिस, मैं एनालॉजी के हिसाब से बोलूँ तो ये क्या है, लिक्विड ए है, फिर क्या है, तो वी विल जस्ट डिस्टिलाइज द डिफरेंट, अभी मैंने क्या बोला था कि चार लिक्विड्स है ए बी सी डी, तो क्या करेंगे हम वन बाय वन डिस्टिलाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर वेपराइजिंग और अकॉर्डिंग टू देयर वोलाटाइल प्रॉपर्टी। अभी वोलाटाइल प्रॉपर्टी क्या होती है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट हाउ डज़ इट वर्क, वो तो मैंने बता दिया कि हाउ डज़ इट वर्क, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि जो मैं बोल रही थी दैट मोर वोलाटाइल कंपाउंड्स जो होते हैं ना उनको सेपरेट किया जाता है लेस वोलाटाइल कंपाउंड्स से। ओके अब क्वेश्चन अराइज इज दैट व्हाट इज़ मोर वोलाटाइल कंपाउंड और लेस वोलाटाइल कंपाउंड, वोलाटाइलिटी क्या होती है, सो जो मोर वोलाटाइल कंपाउंड होता है दैट इज़ हैविंग अ लेस बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वो जल्दी वेपराइज होता है, सीधी बात ये समझ लो कि ये जल्दी वेपराइज होता है और ये स्लो वेपराइज होता है, सो एम फॉर मोर वेपराइजेशन या फिर ले सकते हो यहाँ पे मोर वोलेटाइल का जल्दी वेपराइजेशन होता है और लेस वोलेटाइल का लो वेपराइजेशन, मोर वेपराइजेशन लो वेपराइज, मोर या नहीं मोर लेस नहीं ले सकते,
बस ये समझ लो कि MVC आर द कंपाउंड्स जो फास्ट वेपराइज होते हैं, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, लो है। अब वेपराइजेशन में ये बात देखना है कि अगर ज़्यादा वेपराइजेशन हो रहा है, यानी ज़्यादा फास्ट स्पीड की बात करें, फास्ट वेपराइजेशन मीन्स लो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, लो होगा, फास्ट वेपराइजेशन लो बॉइलिंग पॉइंट। तो लो बॉइलिंग पॉइंट होगा मतलब लिक्विड क्या होगा, जल्दी सेपरेट होगा, सबसे पहले वो बॉइल होगा, वो वेपराइज होगा, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, मोर वॉलेटाइल कंपाउंड और कंपोनेंट बोला जाता है। और जो लिक्विड स्लो वेपराइज होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, दैट इज़ हैविंग ऑब्वियसली हाई बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई उनको बोला जाता है लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट। तो यही जो है उसको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द फीड, फीड यानी वही सोल्यूशन जो होता है ऑफ मिक्सचर्स, या फिर मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स बोल सकते हो, सोल्यूशन बोल सकते हो, फीड बोल सकते हो, यू कैन यूज़ एनी वर्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक जो लिक्विड है उसका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से उनको एक्सेप्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है। अभी मैंने एनालॉजी भी दी, तो ये है पूरा सेटअप, ऐसा होता है। तो यहाँ पे बर्नर सेट किया जाता है, यहाँ पे बर्नर सेट किया जाता है, एंड जब हीट प्रोवाइड करनी हो तब हीट प्रोवाइड की जाती है टू द पर्टिकुलर लिक्विड। अब यहाँ पे जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिक्विड्स है, जो दो लिक्विड है समझ लो, अभी मैं एनालॉजी देती हूँ विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल। तो समझ लो कि हमारे पास में वाटर एंड एसीटोन का मिक्सचर है यहाँ पे, कौन सा वाटर एंड एसीटोन इज देयर। अभी वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट हमको पता है 100 डिग्री सेल्सियस है, बट एसीटोन का होता है 56 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस वाटर एंड एसीटोन के सोल्यूशन से एसीटोन सेपरेट करना है, तो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट गिव अ हीट टू द लिक्विड अप टू 56 डिग्री सेल्सियस। मैं वहाँ से, तो मतलब वो वहाँ से क्या होगा, वेपराइज होना स्टार्ट होगा, वो वेपर बनने स्टार्ट होंगे, वेपर पूरे फॉर्म नहीं होंगे। ओके, यहाँ क्या हो रहा है, वेपराइजेशन स्टार्ट हो रहा है। तो आई विल प्रोवाइड इट हीट फ्रॉम ज़ीरो से ही स्टार्ट होगा ऑब्वियसली, लेकिन 56 के बाद वो क्या होगा, बढ़ेगा, उसको मैं बढ़ाऊंगी, लेकिन 100 से कम ही रखूंगी। क्यों रखूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया तो वाटर भी वेपराइज होना स्टार्ट हो गया, वाटर के भी वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए, तो मुझे वाटर के वेपर्स नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगी, 56 से अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, ठीक है, मुझे लगा कि हाँ चलो जितना है सारा का सारा एसीटोन मुझे निकाल लेना है उससे, उस पर्टिकुलर लिक्विड से, तो मैंने उसको 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट दिया, और फिर यहाँ पे जो है वेपर्स फॉर्म हो गए, यहाँ पे वेपर्स जमा हो गए, यहाँ पे वेपर्स कलेक्ट हो गए एसीटोन के। देन मैंने क्या किया, ये हीटिंग जो भी बर्नर था उसको रिमूव कर दिया। अब ये ऑब्वियसली वेपर्स जमा होके कहाँ पे आ गए, वेपर्स जमा हो के पूरे आ गए कंडेंसर में, एंड कंडेंसर में आने के बाद ये क्या होगा, वन बाय वन यहाँ मेरे पास फ्लास्क में कलेक्ट होगा। नाउ आफ्टर दिस सोल्यूशन और आफ्टर बॉइलिंग दिस सोल्यूशन मेरे पास क्या होगा, सब लास्ट में मेरे पास में फ्लास्क में बचेगा कौन, आई विल हैव द एसीटोन इन माई पर्टिकुलर जार, बीकर हो सकता है, फ्लास्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे मैंने क्या किया एसीटोन कलेक्ट कर लिया, जस्ट बिकॉज इट वॉज हैविंग अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज़ 56 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम वाटर, क्योंकि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसमें मोर वॉलेटाइल कौन हुआ भाई, मोर वॉलेटाइल कौन हो गया, एसीटोन हो गया मोर वॉलेटाइल कंपाउंड, क्यों, क्योंकि इसका वेपराइजेशन जल्दी हुआ और इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे है, लो है। सीधी बात याद रखें, MVC अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आ गया कि विच
कुछ भी नीचे दिए हैं 50 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस ऑप्शंस दिए और आपको पूछे कि MVC कौन सा है इसमें से बताओ आप कौन सा लिक्विड आप MVC कंसिडर करोगे. सो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है उसको आप MVC बोलोगे और जिसका बॉइलिंग पॉइंट अभी क्या हो गया है 56 डिग्री सेल्सियस एक हो गया 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इसमें से MVC है एसीटोन. दैट इज़ क्यों क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट इज़ लेस. और जो LVC है वो कौन हो गया वाटर क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है. सो दिस इज़ हाउ द डिस्टिलेशन यूनिट वर्क्स. नाउ अभी क्वेश्चन इज़ देयर कि यहाँ पे कुछ एक पॉइंट है दैट हाउ टू केयर और मेंटेन द डिस्टिलेशन यूनिट. अभी मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा भाई क्योंकि यहाँ पे कंडेंसर है तो ऑब्वियसली कंडेंसर का जो होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है इसको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है. सो यू वन शुड हैव टू केयर अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्टिलेशन यूनिट के उसको कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड है जितने MH का चाहिए उतना प्रोवाइड होना चाहिए. फिर उसके बाद वन शुड टेक केयर के जो थर्मामीटर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं इज़ इट इन वर्किंग पोजिशन और इज़ इट इन वर्किंग प्रॉपर मेकैनिज्म में है या नहीं. अगर थर्मामीटर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है अगर वहाँ पे आपको चाहिए 50 डिग्री सेल्सियस और वो शो कर रहा है वो 2 डिग्री सेल्सियस लेस बता रही है 4 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा बता रहा है तो क्या होगा. और अगर वहाँ पे दो लिक्विड्स है जिनकी मार्जिन या जिनका डिफरेंस सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का 2 डिग्री सेल्सियस का हो तो क्या होगा प्रॉब्लम होगी लिक्विड सेपरेशन प्रॉपर नहीं होगा जस्ट बिकॉज के ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही सेपरेशन होता है. उसके बाद वन शुड ऑल्सो टेक केयर अबाउट द बर्निंग थिंग्स के जो लिक्विड है उसको बर्न कर रहे हो तो इतना बर्निंग नहीं देना है कि जो एक इंस्ट्रूमेंट्स है या जो इक्विपमेंट्स है वो टूट फूट जाए. ओके और जो लिक्विड सेपरेशन जब हो रहा है तो वन शुड ऑल्सो टेक केयर कि कोई वेपराइजेशन हो रहा है तो कहीं ग्लास वगैरह में क्रैक होने की वजह से कोई ऐसा लिक्विड है जो शायद वेपर फॉर्म में आए तो जिसकी वजह से किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है तो वो एक ध्यान रखना चाहिए. सो दिस इज़ हाउ जनरल मेंटेनेंस थिंग देखनी है उस वो प्रॉपर मैकेनिज्म में है नहीं स्पेशली कंडेंसर प्रॉपर मैकेनिज्म में है या नहीं और थर्मोमीटर प्रॉपर मैकेनिज्म में है या नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी होता है वाइल यूजिंग द डिस्टिलेशन यूनिट. सो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग द डिस्टिलेशन यूनिट. सो स्टे सेफ थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे.